हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे है जो आज हम मिनियापुलिस में सेलिब्रेट करेंगे। और हर साल 15th अगस्त के जो भी पास में वीकेंड होता है तभी यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस फेस्टिवल का नाम होता है इंडिया फेस्ट। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया फेस्ट में, और यहाँ क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा बंगाल के बूथ पे। बूथ पे हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर चीज़ें जो बंगाल को रिप्रेजेंट करती है, बंगाल का आर्ट, बंगाल का कल्चर और बंगाल का फूड। और फिर अगला बूथ है केरला का बूथ, और ये पेंटिंग ने मेरा ध्यान खींच लिया। बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी। और केरला को रिप्रेजेंट कर रहे थे मलयाली एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा, जिन्होंने आज बूथ को केरला को जो रिप्रेजेंट करता है, जो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों से डेकोरेट किया था। बहुत ही सुंदर बूथ था। चलो हम मलयाली एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा के प्रेसिडेंट से बात करते हैं। आई लव द पेंटिंग इज लाइक इट्स लाइक अ पेंटिंग डन बाय माय वन ऑफ माय फ्रेंड, नेम इज श्याम, ही लिव्स इन नेपल ग्रुप, राइट। इट स्क्रीम्स केरला आउट ऑफ इट। इट्स सो गुड, एक्चुअली इट्स अमेजिंग। He's drawn a lot of paintings. One of them I lent for this program. I love it. So, are you recording? Yes. So, we have an autumn coming up on September 10th. I request all to visit. It's an autumn feast with a cultural program. Perfect. So, where is it at? It's at Hopkins High School. Hopkins High School. And we also have another one coming up as part of the Kerala Formation. It's called Kerala Piravi, it's a Kerala Day we call it as. It's on October 29th, it's at Eisenhower Community. Perfect. फिर चलते हैं तेलंगाना के बूथ पे। हर स्टेट का जो भी आर्ट है या कल्चर है वो हर बूथ पे दिखाई दे रहा था। We are representing Tamil arts, culture and education, and the school is the wing that promotes Tamil education. We have about 400 plus students who are going through. Oh, that's great. 400 just in Minnesota? In Minnesota, yeah. Wow. Yeah, so we have 3 branches. Yeah. So how do you define the curriculum? So we do have, in the past, like, you know, we were going through different academies, like, you know, American Tamil Academy, like ATA and as well as CTA. But now we do have our own, you know, homegrown, right, curriculum, you know, which has been issued for free to Minnesota, not just for Minnesota, any other school that they want to use, they can use the curriculum, right, which is available online. Oh, wow. It's really good. It is a well structured, like, you know, we have about 40 plus students who have got their bilingual credit as well. So, thank you for the info. Thank you. अब चलते हैं मेरे स्टेट के बूथ पे, महाराष्ट्र। और इस बूथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे मराठी एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा। इस बूथ को डेकोरेट किया था महाराष्ट्र के लोकल अटायर, लोकल परकशन इंस्ट्रूमेंट्स और
यहाँ हमारा मराठी झेंडा। अब चलते हैं सिख सोसाइटी ऑफ मिनेसोटा। इट वॉज अ वेरी वेरी यूनिक बूथ, जहाँ आपको मैं आगे क्या होता है वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ध्रुव का फेस पेंटिंग। ध्रुव ने फेस पेंट कराया अपने इंडिया का तिरंगा। अब वापस आते हैं सिख सोसाइटी ऑफ मिनेसोटा के बूथ पे, जहां ध्रुव ने पहनी पगड़ी। और इस बूथ पे और एक यूनिक चीज थी, जो थी लंगर। और इस लंगर में रोज मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इंडिया फेस्ट आके हम ट्रूली इंडिया में हैं, अपने दोस्तों के साथ है, अपने कल्चर में है, ऐसा लग रहा था। जहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी बूथ, बहुत सारी आर्ट परफॉर्मेंसेस थी और म्यूज़िक, एवरीथिंग इन वन प्लेस। ये है ओडिशा का बूथ, जहाँ उन्होंने लोकल पेंटिंग्स, लोकल एम्ब्रॉयडरी और कुछ लोकल कल्चरल डेकोरेशंस भी उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किए थे, और कुछ पिक्चर्स जो सिग्निफाई करते हैं ओडिशा के आर्ट कल्चर को। अगला बूथ था तेलुगु एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा का, जहां उन्होंने उनके लोकल आर्ट फॉर्म को डेमोंस्ट्रेट किया था। गेम शो मजा मा, तमे गेम शो मजा मा, आओ गरबा में आओ डांडिया।
था सितंबर 30th फर्स्ट Happy Independence Day. Thank you. He is our Hari from Bengali Association. और यहीं पे हमारे दोस्त असुजीत और सुजाता के बच्चे ऋषि और आर्यन दे वर गेटिंग रेडी फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर द US नेशनल एंथम. और थोड़ी देर में यहाँ पे परेड थी फॉर एवरी स्टेट टू रिप्रेजेंट देयर कल्चर. जैसे आप देख सकते हो गुजराती एसोसिएशन परफॉर्मिंग गरबा, और फिर मराठी एसोसिएशन और हमारे मेंबर्स और मराठी लोग वी वर प्लेइंग फुगड़ी, जो मराठी आर्ट फॉर्म और मराठी कल्चर का एक आर्ट फॉर्म है. शिवाजी महाराजांचा जय भवानी, जय भवानी, शिवाजी. और फिर चलते हैं फ्लैग होइस्टिंग इवेंट पे.
such as a tattoo in India? India. तुझे टॅटू दाखव तिकडे. कसला टॅटू आहे? सन. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.